नमस्कार, मैं हूं केन कुमार। आप देख रहे हैं NBC 24। अभी हम पहुंचे हैं राबड़ी देवी आवास के पास। राबड़ी देवी आवास के अंदर में जो महागठबंधन की विधायक दल की बैठक चल रही थी, बैठक के बाद में यानी बिहार में जो परिणाम आए हैं NDA की जीत के और महागठबंधन की हार की, तो महागठबंधन की जो विधायक दल की बैठक आज राबड़ी देवी आवास के अंदर चल रही थी, तो महागठबंधन के हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, साफ तौर से कहा कि बिहार में हमारी जीत हुई है, बिहार की जनता ने हमको खुल के वोट किया है और बिहार की जनता ने हमको चाहा है, इसलिए बिहार की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और रही बात कि महागठबंधन अगर बिहार में हारी है, तो बिहार में महागठबंधन हारी नहीं है, साजिश के तहत हराया गया है। अगर इसकी जांच हो तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि बिहार में महागठबंधन की जीत हुई है। और उन्होंने क्या कहा पूरी वीडियो में आप सुनिए। ये तो साफ तौर पर बोला, ये जनादेश जो है बदलाव का है, ये उनके ऊपर है कि वो जनता के साथ इस फैसले के साथ रहते हैं। इधर से एक सवाल, तेजस्वी जी, कांग्रेस को 70 सीटें RJD ने दी, महागठबंधन को 70 सीटें मिली, 19 सीटें वो केवल जीते हैं। उनके ही नेता कह रहे हैं कि हमारी वजह से तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? क्या आपको मलाल है कि आपने कांग्रेस को 70 सीटें दे दी? पहली बात, महागठबंधन हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़े, हम लोग एकजुट दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। कौन क्या कहता है ये विश्लेषण का समय नहीं, अभी जो बात है ये समय है कि हमको जो हराने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमने सिंपल सा सवाल पूछा है कि जो रद्द हुए हैं क्यों हुए हैं, प्रक्रिया उसकी शुरुआत की थी, अंत में आपने ये क्यों किया, आपने रिटर्न में लिख करके क्यों नहीं दिया। मेरा अभी भी मानना है कि लगभग ऐसे 20 सीटें जो हैं हम लोगों को हराया गया। उनका वहाँ सवाल है, एक साथ पूछे ना, सवाल ये है कि 119 के आंकड़ों तक आपने छुआ, फिर 108 हो जाता है, फिर 110 पे उसको नर दिया जाता है, चुनाव आयोग 5 घंटे इतने में उलझा के रखता है, इसको लेकर क्या कहना है? और कहीं ना कहीं वैसी में आपको जो है एक तरह से देखा जाए तो नुकसान पहुँचाए। नहीं देखे किसी के पास, एक तो अपने ही गाइडलाइंस का, जब हमने आरा का एक एग्जाम्पल दिया कि रात में आप बक्सा लेके जा रहे हो आ रहे, वो क्या उचित है? क्या वो गाइडलाइंस को वो चीजें फॉलो करती है? वो तो एविडेंस हुआ ना, वो तो एविडेंस है, वीडियो में आपका आईडी कार्ड भी दिख जाएगा, बैलेट पे बक्से जो रखे हुए हैं स्टील के उसमें नंबर भी लिख दिया जाएगा, गाड़ी का नंबर भी मिल जाएगा। तो उसमें हम तो स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि हमको तो कम से कम 130 सीटें महागठबंधन को मिली है, 130 सीटें मिनिमम महागठबंधन को मिली। आपने सवाल उठाया है गाइडलाइंस, आपने सवाल उठाया है रद्द हुआ है पोस्टल बैलेट का, गठबंधन आज के तारीख में जब सरकार नहीं बनी है बिहार में, अभी तक फॉर्मल नहीं हुआ है, गठबंधन इलेक्शन कमीशन को डॉक पे लेने के लिए, मैंने यू आर पुटिंग द इलेक्शन कमीशन ऑन द डॉक। आई हैव बीन आस्किंग सिंपल क्वेश्चन टू रिलीज टू सेटिस्फाई द कैंडिडेट वॉट एवर देयर क्वेरीज हैव, दैट्स इट। इफ दे विल नॉट सेटिस्फाई द कैंडिडेट देन वी माइट गो टू द कोर्ट। बहुत ही अच्छा सवाल, हम तो कह रहे हैं हम 130 सीट जीते हुए, हम तो बहुमत में आएगा, हम तो बोल रहे हैं कहाँ नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात, साइलेंट वोटर्स, ये साइलेंट वोटर्स है कि इनविजिबल वोटर्स,
और साइलेंट वोटर क्या बोल रहा है? आप लोगों को कौन बोल दिया कि साइलेंट वोटर ने एनडीए को वोट दिया? हम तो जानना चाहते हैं, तब तो साइलेंट वोटर रहा ही नहीं ना। प्रधानमंत्री जी साइलेंट वोटर का जिक्र कर रहे हैं, उनके बटो लोग बड़ा वोकल होते तब साइलेंट हो गए, और साइलेंट हो गए तो प्रधानमंत्री जी को कान में जाके बोल दिया गया, जब बोल ही दिया तो साइलेंट कान है। ये साइलेंट वोटर थे ही नहीं, ये साइलेंट वही है जो इनविजिबल वोटर है, जो कि बीजेपी के प्रकोष्ठ है। NBC 24, सच की ताकत।